आज हम बात करेंगे शाफी सिरप के बारे में। अगर आपके फेस पर भी पिंपल डार्क स्पॉट जैसी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही है, क्योंकि यहाँ पर है हमारे पास शाफी सिरप और इसको मैं यूज़ भी कर चुका हूँ, तो ये मैं दूसरी लेकर आया हूँ ताकि आपको हॉनेस्ट रिव्यू दे सकूँ। पहले वाली को मेरे घर वालों ने जो है फेंक दिया है, ठीक है, कचरा समझ कर, क्योंकि वो खाली हो चुकी थी। अब मैं आपको बता देता हूँ शाफी सिरप का जो है प्राइस की अगर हम बात करेंगे तो 60 रुपीज़ में ये मार्केट में ईज़िली अवेलेबल है। और इसकी अगर आप एक्सपायरी डेट देखो तो उसमें लगभग 3 ईयर्स का डिफरेंस देखने को मिलता है। अब हम साफ़ी के इंग्रेडिएंट्स एक बार चेक कर लेते हैं। इसमें आपको शना और रेवन चीनी, नीम और चिरायता और तुलसी देखने को मिलती है। उसके नीचे सब कुछ इंग्रेडिएंट्स की डिटेल लिखी है कि कौन से इंग्रेडिएंट से क्या फ़ायदा होता है। तो बेसिकली अगर आप देखो तो फॉर नेचुरल ग्लोइंग स्किन के लिए साफ़ी सिरप जो है रिकमेंड की जाती है। साफ़ी जो है हमारे ब्लड को प्योर करती है और जिससे एक ने पिम्पल की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाती है। इसके साथ साथ ये हमारे डार्क स्पॉट को भी लाइट करती है। अगर आप साफ़ी की बोतल को देखो तो ये है प्लास्टिक की बोतल, ना कि कांच की। तो इस प्रकार से इसकी जो है पैकेजिंग की जाती है। अगर पैकेजिंग देखेंगे तो 60 रुपीज़ की है, लेकिन अगर हम पैकेजिंग की बात करें तो एक एवरेज पैकेजिंग आती है, क्योंकि 60 रुपीज़ में बॉटल उसी में फिर साफ़ी, तो कहीं ना कहीं वो ठीक नहीं है। 60 रुपीज़ में ये ठीक ठाक तरीके से मार्केट में अवेलेबल है। कंपनी का जो फोकस है वो लोगों को बेनिफिट देने में है, ना कि पैसे कमाने में। क्योंकि इस प्रकार की अगर आप सिरप वगैरह अगर अदर कंपनी की यूज़ करते जैसे कि वाव, मामा अर्थ, तो ये आपको अच्छी तरीके से लूटती हैं, लेकिन साफ़ी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। ये हमदर्द साफ़ी, जिसकी अगर बॉक्स की बात करें तो बॉक्स काफ़ी अच्छा है, और साफ़ी की भी पैकेजिंग की बात करें तो वो भी एवरेज है, ठीक है। तो देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है कि साफ़ी मतलब आपको पैकेजिंग में कोई दिक्कत देगी। अगर बात करें बेनिफिट की तो बेनिफिट भी आपको देगी, लेकिन आपको जो है साफ़ी को अच्छे से यूज़ करना रहेगा, साथ में डाइट पर ध्यान देना पड़ेगा। मेरा मतलब है अगर आप साफ़ी यूज़ कर रहे हैं तो आप बाहर का ऑयली फूड, जंक फूड ये सब नहीं खाना है आपको, जिससे कि साफ़ी का जो वर्क है वो ठीक से कर पाए। अगर हम फायदे की हम बात करें तो आप यहाँ पर इनकी इंग्रेडिएंट्स पढ़ सकते हो, यहाँ पर सब कुछ आपको देखने को मिलता है। वैसे में बेसिकली आपको एक चीज़ बता दूँ, साफ़ी से पिंपल ठीक हो जाती हैं, स्किन काफ़ी ग्लोइंग दिखती है। इसके अलावा हम बात करें कि कैसे इसको यूज़ करना है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 10 ml मतलब कि 10 ml आपको साफ़ी लेना है, और आपको लेना है 250 ml वाटर, फ्रेश वाटर, ठीक है, एकदम ठंडा चिल, जो भी आप जैसे कि ट्यूबवेल वगैरह का जो होता है या कुआ वगैरह का पानी जो होता है वो फ्रेश वाटर होता है, तो आप वो वाला वाटर यूज़ कर सकते हैं। फ्रिज वगैरह का यूज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। और वो वाटर के साथ आप 200 ml वाटर में 10 ml साफ़ी मिलाकर पी सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कुछ पूछना है तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। साफ़ी दिन में आपको एक ही बार यूज़ करना है, और यूज़ करना है तो आप मॉर्निंग में कर सकते हैं, खाना खाने से कुछ समय पहले। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, और वीडियो आएंगे चैनल पर अच्छी अच्छी, तो सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और साफ़ी सिरप का रिव्यू कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में।